द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एचपीएससी की 50% और नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन के बारे में, जो है एचपीएससी ने अपना रुख जो है एक तरीके से साफ कर दिया है कि ये दोनों नहीं हटेंगे। केंद्रीय मंत्री जी और कृषि मंत्री जी के बयान के बाद लग रहा था कैंडिडेट्स को कि या तो ये चीज़ें हटेंगी या फिर इनमें से कोई एक चीज़ें हटेंगी, लेकिन इस पर जो एचपीएससी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, ना तो 50% का क्राइटेरिया हटेगा ना ही नेगेटिव मार्किंग हटेगी। तो इस बारे में पूरी न्यूज़ जो है अच्छे से आई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% अंक करने की शर्त जारी रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एचपीएससी से इस शर्त के कारण नाराजगी जताई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 600 पदों के विरुद्ध सिर्फ 50 उम्मीदवारी चयनित हो पाए थे। डॉक्टर संजीव बालियान और जेपी दलाल की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी एचपीएससी कार्यप्रणाली पर हमला बोल दिया था। इसलिए आगे होने वाली भर्तियों के उम्मीदवारों को उम्मीद जगी थी कि शायद आयोग 50% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटा लेगा। तो ये बाकी चीज़ें तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो मेन जो है आयोग का फैसला, या आयोग इसे नहीं बदलेगा, जो प्रवक्ता जो एचपीएससी के प्रवक्ता है, उन्होंने जो अपना एक पूरा बयान इसमें दिया हुआ है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि डॉक्टर संजीव बालियान और जेपी दलाल ने नाराजगी जताई है और यह शर्त हटाने के लिए कहा है, तो क्या 50% नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटाएगा? एचपीएससी के प्रवक्ता ने कहा, वह आयोग का फैसला है कि जनरल कैटेगरी का न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% अंक पास होने के लिए तय किए जाए। यह शर्त इसलिए रखी है ताकि मेरिटोरियस उम्मीदवारों का ही चयन हो। प्रवक्ता ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी गई है ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजी से सवालों का जवाब न दे, वे वही जवाब दे जो उन्हें सही से पता है। तुक्केबाजी से दिए गए गलत जवाब की नेगेटिव मार्किंग होगी। उन्होंने कहा कि पांचवा गोला इसलिए भी दिया है कि अगर चारों विकल्प में से किसी भी विकल्प के गोल दायरे को नहीं भरा है तो पांचवा गोले को भरा जाए। अगर पांचवा गोला भी नहीं भरा जाएगा तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग न्यूनतम 50 और 45% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त पर पुनर्विचार नहीं करेगा। तो भाई, अपना जो भी इससे संबंधित अभ्यर्थी हैं, वो अपना इसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट बनाए और प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये शर्त अब तो नहीं हटेगी। बाकी आगे कुछ अगर सीएम साहब बोल दे तो इस पर जो है बिल्कुल विचार जो है किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई और अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।